हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया डीआईवाई चैनल और मैं हूं प्रिया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज मैं आप सबके साथ में इवियन 200mg एंड इवियन 400mg विटामिन ई कैप्सूल्स के ओरल एंड एक्सटर्नल यूजेज के बारे में बात करूंगी और इसे 4 महीने खाने से मुझे हुए एक्सपीरियंस के बारे में भी डिटेल में शेयर करूंगी। इसके 10 एक्सटर्नल यूजेस एंड खाने से होने वाले बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है। अगर आप में से अभी तक किसी ने उन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इवियन 400 के बारे में। ये कैप्सूल्स मर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी की है और ये आपको मेडिकल स्टोर में 22 रुपीज़ की एक स्ट्रिप मिल जाती है, जिसमें 10 जेलेटिन कैप्सूल्स हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। वैसे माना गया है कि ये कैप्सूल पोल्यूशन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से हुए स्किन डैमेज को रिपेयर करके आपके नेचुरल स्किन टोन को वापस लाने में हेल्प करता है और स्किन टोन भी इवन करके स्किन एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। वैसे इस इवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स के इंटरनेट पे इसे स्किन एंड हेयर्स के लिए किस तरह से अलग अलग यूज किया जाए इसके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, लेकिन किसी ने भी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। वैसे शायद आपको पता हो कि ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का यूज किया जाता है जस्ट बिकॉज ये स्किन एंड हेयर्स के लिए इतना बेनिफिशियल है। और माना गया है कि हेयर ऑयल में मिक्स करके या डायरेक्टली इसे अपने बालों पे लगाने से ये ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स के मॉइस्चर को लॉक करके उन्हें सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है और साथ ही ये स्प्लिट एंड्स को भी क्योर करता है। फॉर स्किन ये एक्नी, पिंपल्स एंड सनबर्न के लिए बेनिफिशियल है, बट इसका ओवर यूज करने से ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को घटाने की जगह बढ़ा सकता है और आपको स्किन ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। इसका हफ्ते में 3 से 4 बार आप सोने से पहले अपने नाइट क्रीम या आलमंड ऑयल के साथ एक विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके फेस पे यूज करें। इससे आपकी स्किन रिपेयर हो सकती है और एक्नी एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम भी क्योर हो सकती है। इसे यूज करने से कुछ लोगों को पिंपल्स की शिकायत बढ़ जाती है, तो अगर आपको भी ऐसा कोई रिएक्शन नजर आए तो आप इसे यूज करना तुरंत बंद कर दें। वैसे स्ट्रेच मार्क्स पे इसे रोजाना डायरेक्टली अप्लाई करने से आपके स्किन टिश्यूज रिपेयर होंगे और स्ट्रेच मार्क्स भी फेड होने में मदद मिलेगी। तो अब बात करते हैं इसके ओरल यूज की, यानी कि आप अगर इसे स्वॉलो करना चाहें या खाना चाहें तो कैसे लेना चाहिए और किन चीजों को ध्यान में रख के लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं पर्सनली इसे करीब 4 महीने से ले रही हूं और आप सबके इसे ओरल लेने से होने वाले फायदे और नुकसान के क्वेश्चंस के तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वेजिटेरियन है या नहीं। तो इस पे लिखा है कि ये जेलेटिन सॉफ्ट कैप्सूल्स है, ना कि वी कैप्स जो कि वेजिटेरियन कैप्सूल्स होती है। जेलेटिन एक एनिमल सोर्स की मदद से बनाया जाता है, तो ये बात क्लियर है कि ये कैप्सूल्स नॉन वेजिटेरियन है। इन कैप्सूल्स को डॉक्टर अपने पेशेंट को विटामिन ई की डेफिशिएंसी, मसल्स क्रैम्प और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादातर सजेस्ट करते हैं। डेली लाइफ में हमारी बॉडी को 15-18mg विटामिन ई की जरूरत होती है, जो कि कुछ क्वांटिटी में हमें हमारी डाइट में से भी मिल जाता है। और इवियन 400mg को अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में विटामिन ई बढ़ने की वजह से सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग, स्ट्रोक, लेग पेन और डायरिया। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अर्ली प्रेगनेंसी में ये नहीं लेनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को हमेशा अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ही इसका डोज स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही अगर आपको आपकी डाइट में नमक खाने का रिस्ट्रिक्शन है तो आपको भी इसे नहीं लेना चाहिए। सो अब जानते हैं कि मैं इसे कैसे अपने डाइट में शामिल करती हूँ। पहले मैं रोजाना इवियन 400mg की कैप्सूल 21 डेज के लिए लेती थी एंड 10 डेज का गैप रखती थी। ये बात मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताई है। स्टार्टिंग में मेरी स्किन काफी अच्छे से क्लियर एंड ग्लोइंग हो गई थी, साथ ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे सीवियर हेडेक एंड लेग पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर मैंने इसे करीब 1 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया और इवियन 200mg की लेस हैवी डोज की कैप्सूल स्टार्ट कर दी। करीब 3 महीने से मैं इस कैप्सूल्स को ले रही हूँ एंड लकीली मुझे अब तक कोई अनयूजुअल चेंजेस या फिर साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है। इसे मैं हर अल्टरनेट डेज यानी कि 1 दिन लेकर 1 दिन नहीं लेती हूँ और इन कैप्सूल्स को मैं लंच के बाद नींबू पानी के साथ लेती हूँ, क्योंकि इन कैप्सूल्स को एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी के साथ लेने से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इन कैप्सूल्स को लेने से बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ा है, साथ ही स्किन ग्लोइंग एंड हेयर फॉल खत्म हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप भी अगर इन कैप्सूल्स को यूज करना चाहें तो अपने डॉक्टर्स से पूछ के इसका डोजेज अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंफर्म करके स्टार्ट करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इवियन 400 के बारे में कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर आंसर जरूर करूंगी। एंड इस वीडियो को पसंद आने पर प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद
बाद वहाँ पर एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाता है, उसे भी ऑन कर लें। और अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही मुझे मेरी सोशल मीडियाज़ पे फॉलो करना ना भूलें, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।